Online students, audible? Within a minute or so, you'll feel comfortable. कोई डेमो वाला तो नहीं है यहाँ पे अभी? सब ओरिएंटेशन क्लास के हैं? ठीक है जी. सबकी लॉ हो चुकी है. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना? फिर मैं अपने बारे में भी दे देती हूँ और आपके बारे में भी ले लेते हैं. एवरीबडी हैज कंप्लीटेड द लॉ? ठीक है. दिस ईयर इटसेल्फ? वेटिंग फॉर द रिजल्ट. आप लोगों ने भी मास्टर्स? दैट्स ग्रेट. LLM. Pursuing LLM or have done LLM? Okay. So you want to do PhD as well? हाँ जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अवनीत एंड नितिका, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है. जुडिशरी के बारे में क्या जानते हो आप लोग? क्योंकि देखो, बेसिक ओरिएंटेशन तो मैंने देनी है, बट आपसे एक आइडिया तो लेना है मुझे ना, कि आप जुडिशरी के बारे में क्या जानते हो, व्हाई यू वांट टू बी इनटू दिस फील्ड. ये सारी चीजें तो आप बताओगे ना मुझे. कुछ जानते हो जुडिशरी का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है? तीन फेजेस में होता है. आओ जी. गुड. आइए जी, आइए. कोई क्लास है तुम्हारी मिशा मैम की? कौन सी? हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आराम से बैठू. मैं वैसे पूछू कि आज वैसे क्लास होती है ना मैम की? ठीक है. तो हम लोगों की तीन स्टेजेस होती हैं, ठीक है. वो पहली स्टेज होती है प्रिलिमिनरी, दैट इज प्री, फिर आपका मेंस और फिर आपका इंटरव्यू. ठीक है. ये तीनों स्टेज क्लियर करोगे तो ही जज बनोगे, क्योंकि एक भी स्टेज रह गई तो जज नहीं बन पाओगे. मेन फोकस तो जुडिशरी ही है, जुडिशियल ऑफिसर्स ही हैं. ऑल दो आप लोग भी डेमो के लिए हैं यहाँ पे. लॉ हो चुकी है, ठीक है. अब लॉ के अंदर दो तीन चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा. लॉ आपका दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, सिविल एंड क्रिमिनल, है ना. इसमें भी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल. सेम यहां पे है, सब्सटेंटिव जब लॉ पढ़ी होगी स्टार्टिंग में, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप पढ़ते हो जूरिसप्रूडेंस. जूरिसप्रूडेंस में एक थियोरी है, अगर कभी याद हो, क्योंकि जूरिसप्रूडेंस इज वन सच सब्जेक्ट जो आपको बहुत बोरिंग लगता होगा, है ना, कि थियोरी है, रटना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है. जूरिस्ट बहुत सारे हैं, तो उसमें एक थियोरी आती थी, कैल्सन की थियोरी. कैल्सन की प्योर थियोरी ऑफ लॉ के हिसाब से कंसेप्ट डेवलप किया था कैल्सन ने. जब उसने वो डेवलप किया तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेन फोकस किया था. अब देखो, आप सबको ये तो पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. ये आपको रटाया भी जाता है, बताया भी जाता है. बेसिक रीजन पता है कि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्यों है? द आंसर इज, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इसलिए है क्योंकि जितने भी आपके लॉज हैं, वो सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रहे हैं. रीजन इज कि अगर कोई भी लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे? जी हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम.
वोयलेटिव माना जाएगा, येस और नो, होगा वोयलेटिव? तो अगर वो वोयलेटिव है तो आर्टिकल 13 ये कहता है आपको कि जी अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जितने भी लॉज हैं, अब आईपीसी तो बहुत पुराना है 1860, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो 1950 से पहले के लॉज हैं, ये फिर आप कहोगे कि मैम ये कैसे चल रहे हैं जब तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, तो ये लॉज क्यों अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं? ये लॉज इसलिए प्रिवेल कर रहे हैं कि जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन सिंक्रनाइजेशन में रहेगा, इन सिंक रहेगा, जो इनके साथ मैच करेगा, उस लॉ को तो हम इंटैक्ट बना के रखेंगे कि वो तो लॉ है, लेकिन जहां पे उसने कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया उसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि जी ये लॉ आपका नल एंड वॉइड हो गया, ये लॉ अब एप्लीकेबल नहीं, राइट? जैसे रीसेंट एग्जांपल लेते हैं आपकी अडल्ट्री की, अडल्ट्री यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, जिसको नहीं समझ में आए फील फ्री, इन दिस क्लास आप यहाँ पे सीखने आए हो, यहाँ पे एबीसी सब सिखाएंगे हम आपको, कुछ भी नहीं पता नो प्रॉब्लम, क्योंकि लॉ में हम सब मस्ती करते हैं, लॉ टाइम होता ही ऐसा है कॉलेज का, ठीक है? जब हम ये कह रहे हैं अडल्ट्री की बात कर रहे हैं, अडल्ट्री में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ इज एंगेज्ड विद सम अदर पर्सन, ठीक है, और उस केस में हस्बैंड विक्टिम कहलाता है। इस चीज को हमने क्या किया, 497 आईपीसी में एक ऑफेंस बनाया हुआ था कि वाइफ को हम पनिशेबल नहीं करेंगे, लेकिन जो वो जो पर्सन कंसर्न्ड है ना, जिसके साथ वाइफ का रिलेशनशिप था, उसको हम पनिशेबल करेंगे, और जो वाइफ का हस्बैंड है वो यहाँ पे विक्टिम कहलाएगा, वो कंप्लेंट लॉन्च करेगा। अब आपको ये भी पता है पुराने टाइम पे जब ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे आपके, उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया, रीजंस बता रही हूँ मैं आपको। जब सती प्रथा को अबॉलिश किया, उससे पहले क्या सिचुएशन थी आपकी फीमेल्स की? अभी तो फिर भी बहुत चेंज हो गया, उस टाइम पे क्या था, दे यूज टू ऑब्जर्व पर्दा, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो साथ के साथ फ्यूनरल पायर पे उसको जलना पड़ता था अलाइव, था ये वो सती प्रथा कितनी क्रूअल थी, दैट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स। क्या पुराने टाइम पे इमेजिन फीमेल्स को एजुकेशन दी जाती थी? नहीं ना, फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो इन सब के कारण वो कहते थे, इसीलिए हमने अडल्ट्री में फीमेल को लायबल नहीं रखा, क्योंकि हो सकता है वो इतने ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां पे हस्बैंड उसको रोज मारता है, और अगर कहीं पे उसको पीस मिलता है, सोलेस मिलता है, फाइंड करती है वो कहीं पे शांति, शी मे गो इनटू दैट रिलेशनशिप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके कारण वाइफ को हमने लायबल नहीं किया, लेकिन जो थर्ड पर्सन था उसको हम लायबल करते थे। जब हमने लायबल किया तो 2018 तक बच्चे उसमें हमने ऑफेंस बना के रखा, 2018 में क्योंकि सिनेरियो इतना चेंज हो चुका है कि अब गर्ल्स को एजुकेशन प्रॉपर है, इक्वल टू बॉयज है, रादर मोर देन बॉयज है, देन इक्वालिटी के राइट्स भी हमने दे रखे हैं, तो हमने उसको जोसेफ शाइन के केस में खत्म कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया कि जी क्यों, बिकॉज नाउ ये हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल जा रही है, अब तो ये राइट्स दोनों को बराबर। सेम एक और एग्जांपल दूंगी, फिर हम सीपीसी पे भी आएंगे। सिविल लॉ में आपने सक्सेशन सुना होगा कभी, हिंदू सक्सेशन एक्ट सुना है? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस चीज से बात करता, प्रॉपर्टी से, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पुराने टाइम पे तो लड़कियां अर्न नहीं करती थी ना, एज यूजुअल पढ़ती नहीं थी तो बेचारी अर्न नहीं कर पाती थी, उनका क्या होता था, क्या उसका फादर की प्रॉपर्टी में कोई राइट था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? द आंसर इज नो। उनका क्या राइट था कि शादी के सिर्फ एक्सपेंसेस लगाएंगे पेरेंट्स आपके ऊपर, बाकी कोई खर्चा नहीं देंगे। सिनेरियो तो आज भी ऐसा ही है कि लड़कियों को नहीं दिया जाता प्रॉपर्टी में राइट, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। द रीजन इज 1937 में एक लॉ बना था आपका, उससे पहले तो सती प्रथा को हमने अबॉलिश कर दिया था, फिर हमारा 1956 का लॉ आया, फिर हमारा 2006 का लॉ आया, फिर हमारा अब 2017 के एक जजमेंट आई, तो हमारे चार फेजेस में फीमेल राइट्स के लॉज चेंज हुए। 1937 में जो लॉ आया ना, दैट सेज कि एक वुमन जो विडो हो चुकी है, उसके वो ना तो उसके इन लॉज रखते थे, क्योंकि उसको कंसिडर किया जाता था दैट शी इज अ काइंड ऑफ अ सिन फॉर अस, कहीं ना कहीं पे ब्लॉट है, स्कार है हमारी सोसाइटी पे कि शी इज अनलकी फॉर अस, उसको वहां से निकाल दिया जाता था। इन लॉज ने निकाल दिया, पेरेंट्स रखते नहीं थे, पेरेंट्स कहते थे हमारे पास भी जगह नहीं है, तभी तो सती प्रथा थी, उस चीज से खत्म किया। तो 1937 में एक विमेन राइट्स प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आया लॉ, जिसमें इन्होंने ये बोला कि अगर एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है
तो जब तक वो लेडी जिंदा रहेगी, अगर उसकी रीमैरिज नहीं होती, तो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ एक पोजेशन के रूप में, पोजेसरी टाइटल के रूप में अपनी प्रॉपर्टी में एंजॉय करेगी, विच मीन्स कि उसको घर से नहीं निकाल सकते, आपको सिर्फ घर में रहने का उसको हक देना पड़ेगा। पोजेसरी टाइटल, पोजेशन और ऑनरशिप में फर्क है ना। हम सब यहाँ पे पोजेशन में है, क्या हम सब इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं? ना। तो वो पोजेशन में रह सकती है लेकिन वो ऑनर नहीं बनेगी। 1937 में ये लॉ आया। अब देखो 1937 से अगर मैं हिस्ट्री इसकी ट्रेस करूं, 1937 से पहले सती प्रथा, 1937 में विडो को क्या राइट मिल गया था? ठीक है, पोजेसरी टाइटल। ये राइट मिला था आपको 1937। अब 1937 से 1956 में हमारा कोडिफाइड लॉ आया, क्योंकि उससे पहले तो कस्टम चल रही थी, सब जगह पे कस्टमरी लॉ था, हमारे कस्टम्स प्रिवेल करते थे, वो कस्टम के हिसाब से हमने चलना होता था। 1956 में आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जिसमें हमने पीछे, हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, हेयर्स क्वालिफाई कर दिए कि ये आपके लीगल हेयर्स कहलाएंगे। कौन कौन? विडो, सन, डॉटर, ये सब जब भी डेथ होगी एक पर्सन की, उसमें इनका हिस्सा बनेगा। 1956 में पहली चीज तो हमने ये इंट्रोड्यूस की। दूसरी चीज, सेक्शन 14 को इनकॉर्पोरेट किया हमने। सेक्शन 14 ने क्या राइट दिया कि जो इसका ये पोजेसरी टाइटल है ना, अब वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगी। मतलब पहले 1937 में सिर्फ पोजेशन था, अब क्या मिल गया उसको कि 1956 में लॉ आया, अब से वो ऑनर कहलाएगी उस प्रॉपर्टी की। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो विडो बन चुकी है। अब अगर ये एक फादर हैं, प्रपोजिटस हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चे लॉ के टर्म में, जिसकी डेथ हो जाती है उसको हम प्रपोजिटस बोलते हैं। ठीक है, ये फादर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, इनकी वाइफ है, इनका एक बेटा है, एक बेटी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है इसके रिगार्डिंग क्या चीज है, क्योंकि ये सिविल लॉ से हम अब रिलेट करेंगे, सीपीसी पे एंटर करेंगे। जब इसकी डेथ होगी 1956 के बाद, आप जाके आज अपने बेयर एक्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट के पीछे देखना, क्लास 1 एयर्स, क्लास 2 एयर्स की लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले विडो, सन, डॉटर, ये तीन तो है ही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 1956 में अगर ये पर्सन अपनी से 6 एकड़ प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, 6 एकड़ प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, तो वो 6 एकड़ किस किस में बटेंगे, किस किस के पास जाएंगे? 1, 2 एंड 3। तो दो दो एकड़ सबके पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये राइट मिल गया उसको। प्लस सपोज ये राइट भी ना होता उसको, ये राइट भी ना होता विडो को, अगर हमने इंक्लूड ना किया होता, विडो को वैसे तो हमने इंक्लूड कर रखा है, बट सपोज उसको इंक्लूड ना किया होता, तो इस केसेस के अंदर ये अगर सपोज करो हाइपोथेटिकली एक्सक्लूड कर दी है ही नहीं, तो हमने सेक्शन 14 दे रखा था। सेक्शन 14 के हिसाब से क्या थी कि इसको पोजेसरी टाइटल तो पहले से ही मिल गया था ना, कि पोजेशन में तो रहेगी, चाहे प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के पास आई है लेकिन पोजेशन में ही रहेगी। वो पोजेशन के बाद वो उसकी एब्सोल्यूट मालिक कहलाएगी, तो वो एब्सोल्यूट ऑनर जो है वो बन जाएगी। ये हमने सेक्शन 14 में उसको राइट्स प्रोवाइड कर दिए। अब जो डिस्प्यूट चल रहा है ना करंटली, वो डिस्प्यूट क्या है कि जब इस लेडी की डेथ होगी ऑटोमेटिकली बच्चों पे जाएगी प्रॉपर्टी, और अगर इसके बच्चे नहीं है, प्लस ये प्रॉपर्टी इसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो इसने खुद कमा के करी है, जो आजकल गर्ल्स कर रही हैं, फिर वो कहाँ जाएगी? उसके ऊपर आज तक डिस्प्यूट है, अभी उसको सेटल नहीं किया गया। ठीक है, हिदर टू वी आर फीलिंग कि ये प्रॉपर्टी वैसे ही डाइवर्ट होनी चाहिए, जैसे एक हस्बैंड की डेथ होती है, जब होती है तो वैसे जाए। अब अगर फीमेल की डेथ होती है तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं कि जी हमने अपनी लड़की को पढ़ाया था तो हमें दो पैसा, क्योंकि आगे उसके बच्चे नहीं है, हस्बैंड को नहीं मिलनी चाहिए, और हस्बैंड वाले कहते हैं कि जी हमने रखा था आपकी बेटी को तो हमें मिलना चाहिए उसका पैसा। सो वो अभी भी अनसेटल्ड पोजिशन ऑफ लॉ है, दैट हैज नॉट येट बीन सेटल्ड। यहां तक कुछ बेसिक क्रक्स समझ में आया कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है? आ रहा है? शर्माना नहीं है? नहीं भी आ रहा तो भी बता देना। लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आ रहा है? आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, पंजाबी बोल दूंगी, बट थोड़ी डिफिकल्टी होगी पंजाबी बोलने में, थोड़ी सी। ठीक है,
यहां तक अब समझ में है। अब देखो इसमें इस विडो को या डॉटर को सूट डालना है। सूट का मतलब सिविल केस, जब भी मैं सूट बोल रही हूं वो सिविल केस है, वो क्रिमिनल केस नहीं कहलाएगा। अब इसको सूट डालना है डॉटर को, आज के सिनेरियो में, क्योंकि मैं 1956 पे हूँ, अब 2006 पे आऊंगी, तब भी ये लीगल हेयर थी, लेकिन क्या 1956 में राइट्स मिलते थे कि आपकी बुआओं को या आपकी दादी को या आपकी मम्मी को कोई राइट है? द आंसर इज नो। लेकिन 2006 में इसको चेंज कर दिया कंसेप्ट, वो कहते डॉटर सेम फुटिंग पे रहेगी जो एक सन रहता है, और डॉटर और सन को बराबरी का हिस्सा भी होगा और वो पार्टीशन भी क्लेम कर सकती है। पार्टीशन अगर उसने क्लेम करना है तो वो सूट डालेगी ना। अब 2006 में क्योंकि डॉटर को सेम राइट्स दे दिए एज दैट ऑफ सन, तो डॉटर ने सूट फाइल कर दिया। अब इसकी डेथ नहीं हुई है, ही इज अलाइव, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, फादर है, सन है, डॉटर है। सन पार्टीशन शुरू से क्लेम कर सकता था कि जी मुझे मेरा हिस्सा दो, मुझे निकलना है, मुझे इकट्ठा नहीं रहना, को पार्टनरी प्रॉपर्टी। अब डॉटर भी कर सकती है। डॉटर ने सूट डाला फादर के अगेंस्ट, ठीक है, तो पार्टीज क्या बनेंगी? डॉटर विल बी द प्लेंटिफ वर्सेस फादर एंड सन, ये क्या बनेंगे? डिफेंडेंट्स, क्योंकि सिविल सूट है। अब जब ये दोनों सूट में होंगे तो ये क्या क्लेम करेगी कि जी ये मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेपरेट प्रॉपर्टी पे तो किसी को भी हक नहीं है डालने का। अब वो दोनों प्रॉपर्टीज होती कौन सी है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, दादा लाई प्रॉपर्टी, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी आ रही है, दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपके फादर ने अपनी मेहनत से एक्वायर की है, वो प्रॉपर्टी है आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी। उसमें ना तो लड़का ना लड़की कोई भी हक नहीं मांग सकते। वो तो फादर जब भी अगर उन विल बना जाए, वसीयत बना जाए, तो बात अलग है, लेकिन जब भी कभी उनकी डेथ होगी तो वो ऑटोमेटिकली दोनों बच्चों पे बाद में वेस्ट करेगी। फिर जब वो वेस्ट करेगी तो वो एंसेस्ट्रल कहलाएगी अगली पीढ़ी के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? अभी के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए। अगली पीढ़ी कौन? बच्चों के लिए वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। बच्चों के पास जैसे ही फादर की प्रॉपर्टी आई, जो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी थी, वो एंसेस्ट्रल में कन्वर्ट हो जाती। पार्टीशन में किस चीज का मांग सकती है एज अ गर्ल? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नॉट सेपरेट प्रॉपर्टी। मैंने डाल दिया सूट कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब कितना हिस्सा रहेगा? मदर भी है, मदर को मेंटेनेंस का राइट है, मदर को और कोई राइट नहीं है, बट आजकल हिस्सा रखते हैं प्रूडेंटली। मदर का हिस्सा एक निकाला, एक हिस्सा सन का निकला, एक हिस्सा फादर का निकला, एक मेरा, कितने डिवाइड होंगे? 4। सो 1/4 प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, ठीक है। जब मैं ये सूट डालूंगी, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मैं सीपीसी में जाऊंगी। अब प्रोसीजरल लॉ तो वही है ना बच्चे, अब उस प्रोसीजरल लॉ के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी है कि क्या मेरा लोकस टेंडाए है। अब लोकस टेंडाए क्या होता है, या कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, वो समझो। लोकस टेंडाए और कॉज ऑफ एक्शन, COA इज अ कॉज ऑफ एक्शन। प्रॉपर्टी मेरे फादर की, पार्टीशन मुझे डालना चाहिए ना सूट का। पार्टीशन का सूट करिश्मा डाल रही है, क्या डाल सकती है मेरे फादर से प्रॉपर्टी लेने के लिए? नहीं ना। लोकस टेंडाए राइट किसका है? मेरा। कॉज ऑफ एक्शन किसका अराइज हुआ है? मेरा। वो तो नहीं डाल सकती ना सूट, या आप लोग डाल सकते हो? नहीं। आपने प्रॉपर्टी लेनी है, मैं सूट डाल सकती हूँ एज एन एडवोकेट? आपके नाम पे तो डाल सकती हूँ, लेकिन अपने नाम पे कि जी इनके फादर से प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे चाहिए, इनका लोकस टेंडाए मैं ले लेती हूँ, द आंसर इज नो। राइट तो नहीं ना ट्रांसफर कर सकते, तो वो होता है आपका लोकस टेंडाए कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन के फॉर्मूलाज जब हम सीपीसी पढ़ेंगे, उस टाइम पे बहुत इलाबोरेटली हम उसको डिस्कस करें, ठीक है। इट टेक्स अराउंड 1 or 2 lectures टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ एक्शन। अभी के लिए बेस समझ में आया कि मैं ही मांग सकती हूँ ना, तुम लोग नहीं मांग सकते, और तुम्हारे राइट्स पे मैं नहीं मांग सकती। दिस इज लोकस टेंडाए। जैसे ही ये हो गया तो हमें एक एग्जामिन करना है सेक्शन 9 CPC। सेक्शन 9 CPC है गेटवे ऑफ सीपीसी। गेटवे अंडरस्टैंड क्या होता है? यहां से मैंने तुम्हारे को एंट्री नहीं दी, क्या तुम अंदर क्लास लगा लोगे? ना एंट्री चाहिए ना। तो अगर मुझे सीपीसी में एंट्री लेनी है कि मुझे सूट डालना है, तो कम से कम मेरा सूट सूट ऑफ सिविल नेचर का होना चाहिए। अगर सूट सिविल नेचर का है ही नहीं, तो मैं सूट ही नहीं डाल सकती। पहला पॉइंट, मेरा सूट सिविल नेचर का होना चाहिए, तभी तो सूट डलेगा बच्चे। अगर मेरा ये राइट होता ही नहीं, तो क्या सूट डल जाता?
नहीं ना, तो सूट के लिए राइट होना चाहिए, और राइट के लिए मेरा वो राइट सिविल राइट होना चाहिए, जैसे मेरे को लॉ ने दे रखा है। अब इसकी और एग्जांपल लेते हैं। ये तो राइट मुझे किसने दिया है? हिंदू लॉ ने दिया है। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल ले लो, सिविल में जाना है। मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी मैं ऐसे ऐसे आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। बाद में मैंने ब्रीच कर दिया कि नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही। किसने ब्रीच किया? मैंने ब्रीच किया ना। अब इसके अंदर लोकस टेंडाई किसका है? तुम सबका है ना, कॉज ऑफ एक्शन। क्या ये राइट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रिगार्डिंग लॉ देता है कि तुम उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो कि अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ हो? कह रहा है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या मांग सकते हो? डैमेजेस। तो तुम सूट डालोगे मेरे अगेंस्ट? क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है? यस, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है सूट है, लॉ ने प्रोवाइड किया, आ जाओ और डालो। एंट्री आ गई आपकी, सूट ऑफ सिविल नेचर में भी चले गए आप। फिर आप एग्जामिन करोगे कि डालोगे कहाँ सूट, ये भी तो देखना जरूरी है। मेरी प्रॉपर्टी है अंबाला में, सूट आप कह रहे हो मैं तो जी चंडीगढ़ में डालूंगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को तो चंडीगढ़ पसंद है, चंडीगढ़ के कोर्ट्स पसंद है। यू कैन नॉट डू सो। व्हाई? क्योंकि प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है सूट तो वहीं डलेगा। जनरल रूल, ज्यूरिसडिक्शन वो कहाँ एग्जामिन करेंगे? वो भी सीपीसी में लिखा हुआ है, वो भी हम सीपीसी में एग्जामिन करेंगे। समझ में आ रहा है? सीपीसी में एंड इसके साथ लिंकेज। तो 2006 में हमें क्या राइट्स मिले थे? 2006 के राइट्स थे हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड। दो हजार छह में डॉटर वॉज ऑल्सो मेड अ कोपार्टनर एंड डॉटर हैज गॉट द इक्वल राइट्स एज दैट ऑफ अ सन। सन और डॉटर सेम इक्वल फुटिंग पे आज हैं। अगर लड़का मांग सकता है पार्टीशन तो लड़की भी मांग सकती है, और अगर लड़का विल बना सकता है तो लड़की भी विल बना सकती है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? इस तरीके से हम चलते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पे आए हो आपकी इंटरलिंकेज बहुत होती है, आप इनसे बाद में फीडबैक ले सकते हो। इंटरलिंकेज का मतलब ये है कि एक लॉ को सिर्फ एक ही को नहीं पढ़ेंगे हम उसमें। अगर मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगी ना, विच जनरली आई टेक 6 months टू कंप्लीट, उस 6 महीने के अंदर सीपीसी के साथ साथ और भी बहुत सारे लॉस की इंटरलिंकेज है। अगर आप ये कहो क्योंकि मैं ये भी नहीं पढ़ाऊंगी कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2, 3, 4 सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं पढ़ाई जाती। हमेशा आपको उस तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे जुडिशरी में आता है। द वे वी आर टीचिंग, वी आर नॉट बूस्टिंग अबाउट। यू कैन आस्क देम, यू कैन आस्क योर सीनियर्स, या जहां से रेफरेंस लिया कुछ भी। अगर सीपीसी सीआरपीसी जो पढ़ाती हूँ उसके बियॉन्ड पेपर आ जाए ना, तो यहाँ पे आना छोड़ दे। उसके बियॉन्ड अगर आ जाए तो पेपर मेंस में अराउंड पेजेस जो मेरे सीआरपीसी सीपीसी के रहते हैं वो 500 पेजेस के नोट्स बनते हैं आपके, 500-600 इन बिटवीन। कई जिनकी हैंडराइटिंग छोटी है या कुछ एग्जाम्पल्स कम लिखते हैं उनके 400 बनते हैं, 400-450 बनते हैं, विच मीन्स यू हैव योर ओन बुक। आपको कुछ भी फर्दर टकवानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अशोक जैन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे A to Z सब कुछ पढ़ाया जाता है। ये लोग पढ़ रहे हैं, इन्हें पता है। आईपीसी में भी हम लोगों को एटलीस्ट 5 महीने तो हो गए हैं खत्म होते होते। आईपीसी अभी मेरा 1 महीना और लेगा, एविडेंस आज खत्म होगा हमारा, विच मीन्स वॉट कि आपको टाइम आराम से दिया जाएगा। इंटरलिंकेज है, जजमेंट्स भी बोलती हूँ मैं पढ़ने को। ये मत कहना कि मैम जजमेंट्स आप पढ़ाओ तो ही पढ़ के आएंगे। बच्चे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा साथ में। अगर आपको जुडिशरी में एफर्ट्स डालने हैं तो सिर्फ हमारे एफर्ट सफिशेंट नहीं है कि क्लास लगाई, उसके नोट्स बनाए और सिर्फ रिवाइज किया। उसके साथ जो जजमेंट्स हम आपको देंगे या कोई मटीरियल देंगे वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और हर एक रजिस्टर, जब से आपकी ओरिएंटेशन जब खत्म होगी और सब्जेक्ट शुरू होंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनेगा आपका, ये ध्यान रखना। डू नॉट मिक्स एंड मेक अ रफ रजिस्टर कि आज रफ बनाएंगे बाद में घर में जाके सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। अभी लिख लोगे जब 3-4 सब्जेक्ट्स खत्म होने के बाद शुरू होगा ना, फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी तो आपकी इनिशिएशन है ना कि चलो 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो हाँ हाँ हम कर लेंगे। बाद में वो रिवाइज भी करने और अगले सब्जेक्ट 3 और शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग एवरीथिंग हियर एंड हियर फॉर द मेन एंड फाइनल नोट्स। जो चीज जहां पे मैं कहूंगी ऐड करने को वो आप वहां पे ऐड करोगे। क्लियर अबाउट दिस? वी विल बी रीडिंग द मैगजीन्स एज वेल। ठीक है, अभी के लिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया। 2020 में अब एक जजमेंट आई, जो चौथा कंसेप्ट पढ़ना था हमने इसमें, वो है आपकी राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा। जो राइट्स, क्योंकि हमने लड़कियों को 2006 में कब से को पार्टनर बना दिया था, जब से उनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। और अगर एक लेडी का बर्थ
से इन द ईयर 1970 में हुआ है, क्योंकि 1956 में लॉ आ गया ना, 2006 में अमेंडमेंट करी हमने और उसको क्या कर दिया, बैकडेट से रिलेट कर दिया कि डॉटर हैज बिकम अ को पार्टनर सिंस हर बर्थ. अब बर्थ उसको 1970 में हुआ है, 1970 से जो है वो राइट ले सकती है, लेकिन उस पर एक राइडर लगा दी. राइडर का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी. रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि अगर उससे पहले 2006 में एक डेट फिक्स करी हमने 20 दिसंबर 2004, उस 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर आपके घर में पार्टीशन हो गया है, जैसे होते हैं ना पुराने टाइम पे दादा बैठ के बच्चों के बीच में बांट देते हैं, लड़की को नहीं देते बिकॉज शी इज वेल सेटल्ड, मैरिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दादाजी ने आपकी प्रॉपर्टी में अरेंजमेंट कर दिया, आपके भाइयों को मतलब चाचेताओं को दे दिया, तो फिर उसको आप छेड़ नहीं सकते, प्रोवाइडेड वो रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए और कोर्ट की डिक्री से होना चाहिए. फैमिली अरेंजमेंट रिटर्न एंड कोर्ट की डिक्री से होना चाहिए अगर है, ठीक है. लेकिन अगर उन्होंने ओरल सेटअप कर दिया था कि ओरली बोल दिया ये इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, उसका इतना, इनको नहीं दिया मैडम को, देन ये चैलेंज कर सकती हैं चाहे ये कभी भी कुछ भी हुआ. सो वो राइडर क्या था, दोबारा समझा देती हूँ. राइडर ये था आपका कि आज 1970 से भी लड़की का राइट बनता है. पुरानी सिचुएशन में चले जाते हैं, 1970 में हम में से कोई नहीं था, 1970 में हम सब थे सपोज करो, लेकिन लड़के यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, तीन. इन तीनों को दे दिया, हम सबको एक्सक्लूड कर दिया. अगर तो बच्चे ये ओरल पार्टीशन था तो हम सब ओपन करा सकते हैं, 2023 तक भी ओपन करा सकते हैं. लेकिन अगर ये पार्टीशन इन राइटिंग था या कोर्ट की डिग्री से आया था तो हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते, फिर हमारा राइट खत्म हो चुका है. ये राइडर 2006 में आया था. इसी चीज को फर्दर इलैबोरेट राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा में 2020 में कर दिया था. वो ये कहते हैं कि जी लड़की कभी भी एक्सेप्ट ओरल पार्टीशन, कभी भी अपने पार्टीशन को ओपन करा सकते हैं, विच मीन्स जो आपकी बुआएं हैं अभी के टाइम पे, वो अगर उन्हें ये राइट्स पता चल गए ना तो वो आपका हिस्सा लेके जाएंगी और आपकी फादर चाचे ताए जितने भी हैं वहां से वो सारा हिस्सा अपना भी बना के लेके जाएंगी. वो अलग बात है, वो ले ना ले वो उनकी मर्जी है, बट द राइट हैज बीन गिवन. ठीक है, हाँ जी बच्चा, हाँ जी. विल हमेशा चैलेंज होती है बच्चे, क्योंकि विल कभी भी इनसे इस तरीके से गवर्न नहीं करती. अगर विल है तो विल के लिए मुझे एक सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ती है, उसके लिए मेरे को कोर्ट में जाना पड़ता है. जैसे तुम्हारे दादाजी ने एक विल बनाई, ठीक है, उस विल के अंदर मैं क्या, तुमने तुम्हारे फादर साहब के नाम पे कर दी और दूसरे चाचे को सपोज करो एक्सक्लूड कर दिया. उस केस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली चीज कि क्या वो विल आपके दादाजी ने फिट स्टेट ऑफ माइंड में बनाई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है जिनके साथ रहते हैं ना उन्हीं के नाम पे घर कर जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि नहीं जी बेटे की अंडी इन्फ्लुएंस हुई होगी क्योंकि वो उसके साथ रहते थे, प्रेशर ना क्रिएट किया. दूसरा, अगर वहां पे डॉक्टर का सर्टिफिकेट लग जाए कि जी वो डायबिटीज थे, बीपी के मरीज थे, ये भी था उनको और हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती थी, उसके कारण वो वीक हो गए थे, वीक हो गए थे, तो हो सकता है वो इन्फ्लुएंस हो. दूसरा, वीडियोग्राफ करा लो. अगर ये दो चीजें नहीं कराई तो हम कोर्ट में जाएंगे. कोर्ट में क्यों जाएगा, जाना ही पड़ेगा आपके फादर साहब को कि जी मेरे फादर ने ये विल बनाई थी और इसको अब मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दो ताकि विल के हिसाब से मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाए. उसको हम प्रोबेट कहते हैं. प्रोबेट कोर्ट में जाना पड़ता है, वो कोर्ट भी प्रोबेट कोर्ट कहलाता है और प्रोबेट कहते हैं उसको. प्रोबेट मीन्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल, वो हमेशा कोर्ट से मिलेगी. जब आपके फादर साहब जाएंगे उनको नोटिस देगा कोर्ट कि जी आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, उनको सबको नोटिस भिजवाओ कि आपकी जो वसीयत आपके फादर साहब कर गए इनको ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को. फिर कोर्ट सुनेगा उनको, वो कहेगा जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी. लेकिन अगर ऑब्जेक्शन हुई तो फिर सबसे पहले कोर्ट ऑब्जेक्शन सुनेगा, देखेगा कि विल सच में सही थी या नहीं थी, फिर वो आपको ग्रांट करे. दिस इज व्हाट अबाउट विल. ठीक है, आप लोग जो आए हैं, हाँ जी बच्चे, सॉरी, The reference of the date has been mentioned under Section 6, Subsection 5. The only purpose is because 2005 it has been enacted. 2005 amendment है, 2006 में it has been came into force. So इन्होंने एक date पीछे fix कर दी थी. 9 September 2005 rather, आप लिख सकते हो. इसको 5 कर लो. 9 September 2005 से ये force में आई थी. और इससे पहले के 20 दिसंबर 2004 एक date
लेजिस्लेचर ने फिक्स की थी कि अगर इससे पहले कोई भी पार्टीशन है चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर 20 दिसंबर 2004 के बाद रिटर्न भी है आप उसको भी ओपन करा सकते हैं। अब राकेश शर्मा विनीता शर्मा में क्या कह दिया कि अगर रिटर्न भी है और फादर की डेथ हो भी गई है ना तो भी आप उसको ओपन करा सकते, ठीक है, विच हैज बीन बिकेम सो ओपन एंड सो क्लियर। क्लियर, ठीक है। रजत बच्चे काम कर, डेमो के लिए कौन कौन है अब यहाँ पे, ठीक है, इधर डेमो वालों का नाम, ठीक है, इधर ओरिएंटेशन वालों का नाम, मेरे को पेन दे दो एक, मैं ही करती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख देना। टुडे इज 13th June, आप मुझे ही बता दो नाम, नहीं लिखे थे। मधुरम, MADHURAM, मधुरम शर्मा। हाँ जी बच्चे, आपका नाम? सिमरनजीत कौर। करण, हाँ जी, ध्रुव, आपका नाम? आप डेमो के लिए आए हैं? अच्छा, पुराने स्टूडेंट हो आप, हम क्यों नहीं जानते भैया आपको, इनको तो जानती हूँ मैं, इन चारों को तो मैं, ये कौन सा मेरी आईपीसी लगा रहे हैं दोनों? हाँ जी बच्चे, ओरिएंटेशन वाले स्टूडेंट्स नाम बता दो। ASHAN, ओके, हाँ जी, कोमलदीप, नेक्स्ट निशा, हाँ जी, हिना, नेक्स्ट अंजलि, ठीक है, यू हैड सम क्वेरी? हाँ जी, यहां तक समझ में आया? मजा आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ सीपीसी के ऊपर, ठीक है, आज सीपीसी की ओरिएंटेशन है तो सीपीसी की ओरिएंटेशन में हल्का सा ब्रीफ करूंगी। क्या हो गया? हाँ, उनकी रिलेशनशिप में नहीं है, उनकी बेटी सीजेएम है और हम यहाँ, ठीक है, गरेवाल सर की डॉटर हूँ मैं, नहीं गरेवाल, गरेवाल एक ही नहीं है ना, बहुत सारे गरेवाल सर, ठीक है। सो आई होप नाउ यू नो माय नेम आल्सो, तो अभी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, और यू वांट सम इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड एज वेल? पहले मैं इनसे पूछ लूँ, ये जानते हैं मुझे? हाँ करिश्मा, क्या इंट्रोडक्शन है मेरी? देखो हम यहाँ पे क्लास में एंजॉय भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई रहती है, लेकिन इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें आपको मैं बोर नहीं होने देती, ये गवाह हैं दोनों, ये बेचारे अभी बनेंगे थोड़े टाइम बाद गवाह। हाँ जी, ये है, ये बच्चा शुरू से ओरिएंटेशन में, आईपीसी की दी थी तब मैंने ओरिएंटेशन। अच्छा हाँ जी, बताओ, इंट्रोडक्शन दे दो इनको मेरी। नो प्रॉब्लम, हाँ,
अब तो बहुत हो गया। नॉट इन टीचिंग इट सेल्फ, प्रैक्टिस ऑल्सो। सी हम जो ये एक्सपीरियंस बोलते हैं दैट इज सोलली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिकल लाइफ विद रिगार्ड टू एडवोकेसी। सो बिकॉज आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड ड्यू टू विच मुझे एडवोकेसी में सिंस द बिगिनिंग वो राइट है, जेनेटिकली होता है ना, आपको जेनेटिक्स आते हैं, सो वो चीज है। तो लीगल बैकग्राउंड का प्रोफेशन होने के कारण इसीलिए हम लोगों ने इसमें एंट्री की थी। आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम माय पंजाबी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट माय एलएलएम। सो आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन 2017। आफ्टर दैट आई वाज आल्सो गॉट सिलेक्टेड समवेयर इन जुडिशरी, बट ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजंस आई हैड टू लीव जेएमआईसी एंड देन आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी नाउ, ठीक है। मे बी लेटर व्हेन आई बिकम एलिजिबल फॉर सम हायर जुडिशियल सर्विसेज देन आई मे थिंक ऑफ, बट राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ। I am just here to teach you and I am practicing also with my father in Ambala courts as well as somewhere, rare cases in the high court. ठीक है, so Monday को इसीलिए मेरा off रहता है क्योंकि मुझे district courts में practice करनी पड़ती है। और उसके अलावा हम यहाँ पे आपसे Tuesday से Saturday तक connected रहते हैं, unless and until मुझे कोई case urgently जाना है या कहीं कुछ और है तो छुट्टी रहती है। और हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं आपके, ऑल टीचर्स आर वेरी गुड, सब आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। राइट नाउ आई एम टेकिंग 3 मेजर सब्जेक्ट्स, तो अभी के लिए थोड़ा मैं ब्रेक चाहूंगी। आई बीस टीचिंग कंटिन्यूसली एविडेंस आईपीसी एंड सीपीसी, बिफोर दैट सीआरपीसी जस्ट कम्प्लीटेड। तो अभी उसके बाद हम धीरे धीरे इनिशिएट करेंगे कि अभी कौन सा सब्जेक्ट आपके बैच में 23 के बाद शुरू होगा, बिकॉज अभी आपकी ओरिएंटेशन चलेंगी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। जनरली सीपीसी विल बी टॉट बाय मी ऑलवेज नॉर्मली, ठीक है। तो और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं विद द टीचर्स, कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ पढ़ा रहे हैं। माइनर लॉज क्योंकि और भी टीचर्स हैं तो माइनर लॉज और टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको ओरिएंटेशन मिलेगी, आप उनकी भी इंट्रोडक्शन देखोगे तो दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड टीचर्स, वहां से भी आप उनको नॉलेज गेन कर सकते हो। मतलब एवरीवेयर यू कैन गेन द नॉलेज, यहाँ पे एक ऐसी चीज है, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी अकेडमी में चले जाओ, आपको नॉलेज गेन करने को मिलेगी, प्रोवाइडेड यू आर देयर टू गेन द नॉलेज। हाँ, अगर आप मस्ती करने आए हो कॉलेज की तरह यहाँ पे भी, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखो। तो इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन और कुछ तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ सीपीसी के ऊपर। सीपीसी की ओरिएंटेशन में जो हमारा मैनर ऑफ पैटर्न है पढ़ाने का वो ये है कि इसमें हम ब्रॉड स्टेजेस ड्रॉ कराती हूँ हमेशा इन अ फर्स्ट लेक्चर। ऑलवेज आई एम इन अ हैबिट ऑफ ड्रॉइंग द ब्रॉड स्टेजेस ऑफ द प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज मीन सीआरपीसी एंड सीपीसी बोथ, कि इनिशिएशन कहाँ से होती है, ठीक है। अब अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो सीपीसी प्रोसीजरल लॉ में आ गया, विच मीन्स तुम्हारा और मेरा राइट तो वॉयलेट हो चुका है, अब मुझे सिविल केस डालना है। केस से सीपीसी शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। केस डालने के लिए अब तुम समझो तुम लोग वकील हो, ठीक है। किसी का लीगल बैकग्राउंड पीछे, किसी के फादर मदर या कोई ग्रैंड पेरेंट्स लॉयर या जज हो, किसी का लीगल बैकग्राउंड है, वकील हैं कोई पीछे से फैमिली में, किसी का भी नहीं है। लॉ में क्या करने आए हो तुम लोग, क्या करने आए हो लॉ में, ये बताना जरा मुझे। क्यों इतना फैसिनेटिंग लगा तुम्हें लॉ फिर? चलो हमारी तो मजबूरी होगी थी, हिस्ट्री चेंज करने आए हो हैं, क्या बात है, जज बनना चाहते हो तुम बेसिक है। तो फैसिनेटिंग प्रोफेशन तुम्हें इसलिए लगा कि जज बनना है, हैं? ठीक है, एक्सेप्ट यू डू एनीवन डजंट हैव द इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड द वे यू अप्लाइड द थ्योरी ऑफ कॉजा कॉजन्स ना, आई एम इम्प्रेस्ड सिंस देन, ठीक है। सो इट्स रियली नाइस दैट यू अप्लाइड, बिकॉज आई यूज टू फील कि तू बोलती नहीं है। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स है ना जो बहुत कम बोलते हैं, इंटरैक्ट नहीं करते, बट बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बट आई वॉन्ट इंटरैक्ट किया करो, उससे और अच्छी नॉलेज होगी। क्योंकि इंटरव्यू में ट्रेनिंग के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे नहीं नहीं यहाँ बोलना नहीं है, वहां जाके बोल लेंगे, वहां पे नहीं बोला जाएगा, फिर यहीं बोलना पड़ेगा जो बोलना है। और एक और चीज की हेजिटेशन मत करना, स्पेसिफिकली इन माय क्लास आपको इंग्लिश के वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, आपको कोई वर्ड्स में स्पेलिंग एरर्स दिख रहे हैं, पूछो साथ के साथ, कोई हंस रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू इयर्स, यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, कोई फर्क नहीं। आप यहाँ पे सीखने आए हो और सीख के जाओगे ए टू जेड। ये मत सोचना कि कोई दूसरा क्या सोचेगा कि मुझे इसके भी स्पेलिंग नहीं आते। मेक देम, अगर उनको फेसेस बनाने हैं लेट देम डू दैट, बट यू शुड नॉट रिएक्ट कि हाँ जी मुझसे क्यों ऐसे किया या ऐसे कैसे कुछ भी हुआ।
हाँ गुस्सा मैं बहुत करती हूँ क्लास में, तो डिसिप्लिन मुझे बहुत चाहिए। देखो रजत इज लाफिंग है। नहीं पूछ रजत, मैं गुस्सा नहीं करती, बहुत करती हूँ मैं गुस्सा, है ना करिश्मा, ज्यादा बहुत ज्यादा। तुम डरा करो मुझसे। कोई बात नहीं, ये तो डराने वाली बात है, पहले दिन डरा देंगे बच्चों को, हम ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक है, जब पढ़ते नहीं हो तब मेरे को गुस्सा आता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। जो मर्जी करो, मस्ती भी करो, मस्ती भी करते हैं ना अभी रजत। किसी दिन मन नहीं है ना पढ़ने का तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग कुछ और काम भी करते हैं, बट रेयरली। दैट डज नॉट मीन कि हम यहाँ पे यही करते हैं बस, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, अब सीपीसी में पहला इंसेप्शन है एज एन एडवोकेट। अब आप लोग मुझे बताते चले जाओगे, मैं जो समझाऊंगी आपको कि आपने क्या करना। मैं आप लोगों के पास एज एन एडवोकेट हो अभी आप लोग आई कि जी वकील साहब मेरा राइट जो है वो रजत ने वोयलेट किया है, इसने मुझे क्लास में बैठने का राइट था, इसने मेरा राइट वोयलेट कर, ठीक है, इसने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। डोंट थिंक आई एम अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, वी आर जस्ट इक्वल फुटिंग। अब सबसे पहले इस मैंने आपको सारी अपनी हिस्ट्री बताई जी, इसको इससे मुझसे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे करता है वैसे करता है। आप पहली चीज क्या करोगे, क्योंकि मैं प्लेंटिफ हूं ना, मैं केस लेके आई, मैं डालूंगी ना इसके अगेंस्ट केस, तो मैं प्लेंटिफ बनी, ये क्या बना, डिफेंडेंट बना। तुम लोग क्या ड्राफ्ट करोगे एज एन एडवोकेट, प्लेंट ड्राफ्ट करो। ठीक है, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करोगे, अब उसका सिस्टम है एक प्रॉपरली, प्रॉपर पे आप प्लेंट ड्राफ्ट करोगे। अब आपको देखो ये पता है कि सिविल जज की तीन तरीके की ज्यूरिस्डिक्शंस होती है ना। आपकी डेजिग्नेशन क्या कहलाई जाएगी जब आप जज बनोगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन स्लैश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्यों दो अलग अलग, एक सीपीसी के लिए एक सीआरपीसी के लिए। मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी में है ध्यान रखना, और जजेस सीपीसी में कहलाते हैं। क्योंकि कई बार ना इंटरव्यू में हमारे पैनल में क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग, हमने पूछा क्वेश्चन सीपीसी का कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ अ जज अंडर सेक्शन, आप आगे नहीं बताएंगे कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ अ जज, या हमने पूछा व्हाट आर द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट व्हाइल डूइंग इंक्वायरी और कॉग्निजेंस, या कुछ भी नहीं पूछा। मैजिस्ट्रेट पे वो सीपीसी बता रहे हैं, जज पे वो सीआरपीसी बता रहे हैं, वहीं पे इंटरव्यू में जीरो नंबर, वहीं पे। क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जज सिविल में कहलाते हो, मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल में कहलाते हो। अब हम आपके पास आए जी, जज साहब ऐसे ऐसे करवाना है आपने, तो आप प्लेंट फाइल करोगे। आप क्या लिखोगे, क्योंकि टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन तो यही की बनती है, चंडीगढ़ में ही हुआ है मेरा, तो चंडीगढ़ कोर्ट में डालोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालोगे, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते आप डायरेक्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, आप वहां नहीं डालोगे, आप क्या लिखोगे, इन द कोर्ट ऑफ श्री डैश कर दोगे। क्यों डैश करोगे, क्योंकि अभी तो अलॉट होना है ना आपको जज और केस नंबर, तो वो डाल के नीचे लिख सकते हो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन, क्योंकि केस आपको पता है सिविल जज जूनियर डिवीजन पे ही लगना है। लिख के पार्टीज का नाम, मेरा और इसका नाम, मेरा जब नाम लिखोगे वहां पे लिखोगे कॉमा डाल के प्लेंटिफ, मेरा रेजिडेंस, मेरी एज, सन और डॉटर ऑफ सो एंड सो, वर्सेस रजत, डिफेंडेंट, रेजिडेंस, एज एंड सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो, ऐसे। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे टाइटल दोगे, आप वकील हो ना आप लोग, अभी टाइटल दोगे, टाइटल क्या है, सूट फॉर डैमेजेस, वो लिखोगे। फिर आप आओगे 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ्स में एवरीवेयर, डू नॉट मेक अ मिस्टेक कि पैराग्राफ्स नहीं करने, वो ब्रीफ्स में आपको सबको दिखाती हूँ, क्रिमिनल में भी सिविल में भी, क्योंकि ब्रीफ्स बहुत पड़े होते हैं आप वो देख सकते हो, इनके पास भी होंगे, नहीं तो इनसे मंगा लेंगे, नहीं तो मैं ले आऊंगी आपके लिए। अब पैराग्राफ में सबसे पहला पैराग्राफ क्या आएगा, मेरा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन दो पैराग्राफ्स में आता है बच्चे, ध्यान रखना। कॉज ऑफ एक्शन का फॉर्मूला आज से ही रट लो, जब भी कभी हम सीपीसी पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। कॉज ऑफ एक्शन जो है उसका फॉर्मूला है एक, कॉज ऑफ एक्शन को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, लोकस। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट, एलआर इज लीगल राइट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मत लिख देना, एलआर इज अ लीगल राइट। आपको समझ में आ रहा है पक्का, प्लस वोयलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। ठीक है, ये दो अलग अलग पैराग्राफ्स में आएगा, विच मीन्स वॉट, क्या मेरा इस क्लास में बैठने का राइट था, द आंसर इज यस था। अगर बच्चे कोई ऐसा पर्सन आया है, ना वो
डेमो के लिए है, ना वो ओरिएंटेशन है, ना वो हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, क्या वो यहाँ आके बैठ सकता है? स्ट्रेंजर नहीं, और मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया तो वो कह सकता है कि मेरा राइट वॉयलेट किया? नहीं, जब उसका लीगल राइट ही नहीं है, वॉयलेशन की तो बात ही नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मुझे भी है राइट बैठने का, इसको भी है राइट बैठने का, इसने मुझे निकाल दिया। एग्जिस्टेंस थी लीगल राइट की, उसकी वॉयलेशन कर दी इसने, दो डिफरेंट पैराग्राफ्स बनेंगे। पैराग्राफ नंबर वन विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट, पैराग्राफ नंबर टू विल बी द वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट। फिर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में बताऊंगी मैं कैसे कैसे वॉयलेट किया, क्यों वॉयलेट किया, वो सब लिखूंगी। लेकिन ब्रीफ में एलैबोरेट हिस्ट्री नहीं देनी मैंने इसको यहाँ पे कि जी कोर्ट को यहीं पे स्टोरी सुना दी, वहां जाके क्या करोगे फिर एविडेंस में? एविडेंस में बहुत ज्यादा होता है लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ लिखना आपने, चार चार पांच पांच लाइन के या मैक्सिमम 10 लाइन के पैराग्राफ्स बनते हैं आपके, ठीक है। एंड में दो पैराग्राफ्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं प्लेंट में, वो होते हैं ज्यूरिसडिक्शन का और लिमिटेशन का। अब वो क्यों लास्ट में बनते हैं? वो क्यों बनेंगे? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि जी इस कोर्ट में जिसमें मैं सूट डाल रही हूँ, इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, ये ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन कौन सी? पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, तीनों होनी चाहिए, ठीक है जी। पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, अब वो डाल दिया मैंने। नेक्स्ट में मैं लिखूंगी कि मेरा जो सूट है ना वो बार्ड बाय लॉ नहीं है, क्योंकि जब भी बच्चे हम सीपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी के साथ आपने बहुत रेयरली कभी लिमिटेशन अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा। लिमिटेशन लॉ पढ़ा है कॉलेज टाइम में? रेयरली। मैं कहती हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि उसके बिना सीपीसी नहीं हो सकता कंप्लीट। इतना सा बेयर एक्ट है, जाके देखना कभी, 28 सेक्शंस हैं उसके मेन, और 28 भी मेन नहीं है, रादर 24 मेन सेक्शंस हैं उसके, 23-24 सेक्शंस। उन 23-24 सेक्शंस में से ये पूरा ऐसे घुमाता है आपको लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ टू सीपीसी, सो व्हेनेवर वी विल डू सीपीसी डेफिनेटली लिमिटेशन विल कम इनटू पिक्चर। इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? आज मेरा राइट रजत ने वॉयलेट किया, आज से कितने दिन के अंदर अंदर मैं सूट डाल सकती हूँ? 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है ना बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 12 से 30 साल, जितना मर्जी। समझ में आ रहा है ध्रुव? समझ में आ रहा है इधर आपको प्रियंका? ठीक, उधर क्या नाम है, हिना और निशा पीछे? 3 साल के अंदर सूट डालना था। मैं क्या लिखूंगी लास्ट पॉइंट में? दैट दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय लॉ, कि बार्ड बाय लॉ होगा तो कोर्ट कहेगा निकलो यहाँ से, अब नहीं मैं ले सकता, एंटरटेन ही नहीं करेगा, ठीक। ये सब लिखने के बाद प्लेंट आपने बना दी, प्लेंट में हमने वेरिफिकेशंस करनी है, ऑर्डर 6 पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ है। सबसे पहली स्टेज क्या है? आपने प्लेंट ड्राफ्ट कर दी, आप लोग वकील साहब प्लेंट ड्राफ्ट करके अपनी फाइल में रख के, चैम्बर में रख के क्या केस डलजेगा? नहीं ना, फाइलिंग काउंटर्स बने होते हैं, सुविधा केंद्र जिसे हम कहते हैं ना, वहां जाओगे, मुंशी को भेजोगे, जूनियर को भेजोगे कि जाओ जी इसको, क्योंकि स्टैम्प फीस, कोर्ट फीस सब लगती है ऊपर, अगर आपने देखा, और आपके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वेलफेयर फंड्स की भी 25 रुपए की, 50 रुपए की वो स्टैम्प लगती है। वो सब बना के जितने डिफेंडेंट्स हैं, अगर रजत एक ही है तो एक कॉपी डुप्लीकेट में भी जाएगी और इसको भेजनी भी पड़ेगी, क्योंकि सम्मन सर्व करवाना है ना मुझे। या सपोज करो 5 डिफेंडेंट है तो मैं 5 डुप्लीकेट कॉपीज प्लेंट की और लगा के अटैच करके दे के आऊंगी। वो जो जनाब हैं, अगर तो सुबह दे आई मैं उनको, जो बैठे होते हैं काउंटर पे, तो कहेंगे शाम को जी बाहर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, चेक कर लेना, क्योंकि डीजे अलॉट करता है सारा कुछ, डिस्ट्रिक्ट जज अलॉट करेगा किस जज पे जाएगा, क्या केस नंबर। अब अगर तो सुबह नहीं हो पाया तो अगले दिन एट द वेरी मॉर्निंग आपको पता चल जाता है कि जी जाके नोटिस बोर्ड पे ये हमारी पार्टी थी, पार्टी का नाम तो तुम्हें पता ही है, कनुप्रिया वर्सेस रजत। अब उसमें जाके देख के आओगे कौन सा केस नंबर है, कौन से जज को अलॉट हुआ, ठीक, वो देखोगे। पहला काम हो गया हमारा, फाइलिंग काउंटर, डेट ऑफ अपियरेंस। डेट ऑफ अपियरेंस का मतलब कि ये नहीं है कि हम दोनों ने अपियर करना है, डेट ऑफ अपियरेंस का मतलब कि जाके देख के आओ कि जी डेट कौन सी लगी है, किस दिन हमने पार्टीज को समन्स करवाने, केस नंबर क्या। अब जी केस नंबर लग गया, मैं गई मैं प्लेंटिफ जज साहब के पास कि जी इसको सम्मन सर्व कराओ।
आप समन सर्व कराने हैं ना बच्चे, उससे पहले कोर्ट ये देखेगा कि कोई ऑफिस ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ऑफिस ऑब्जेक्शन का मतलब कि मैडम आपने तो ये कोर्ट फीस ही कम दे रखी है, कोर्ट फीस बनती थी 500 रुपए, आपने दे रखी है 200 रुपए, इसको 7 दिन के अंदर अंदर ठीक करके लाओ, कोर्ट ये बोलेगा। अगर कुछ भी नहीं निकला तो फिर कोर्ट के पास मैं जाऊंगी कि जी रजत को बुलाओ, वो कहेगा ठीक है आप पैसे दो। प्रोसेस फी लगती है बच्चे, समन सर्व कराने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं अगर मुझे इसको बुलाना है। कि इतना डिस्टेंस के हिसाब से वहां पे कोर्ट्स बने होते हैं साइड में, नाजर जिसे हम कहते हैं, नाजर कोर्ट्स होते हैं। अंदर जाके जाओगे ना तो वहां पे कोर्ट रूम के सामने रूम्स बने होते हैं अंदर, जहाँ पे वो ऑफिस वर्क चल रहा होता है, वहां जाके कैलकुलेट करेंगे। वो बोलेगा कितने किलोमीटर दूर रहता है जी आपका ये बंदा, फिर वो कैलकुलेट कर लेगा कि 200 रुपए, 150 रुपए ऐसे होगा। वो पैसे दोगे, एप्लीकेशन होगी उस पे पैसे लिखे, वो एंडोर्समेंट करके लिखेगा कि जी हाँ जी इसने पैसे दे दिए, समन सर्व होने चाहिए अब इसको। फिर जो प्रोसेस सर्वर है, जो आपका ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट होगी, पोस्टल एड्रेस के थ्रू पोस्ट ऑफिस वाला जाएगा, या आपका प्रोसेस सर्वर जैसे अलमत वगैरह होते हैं कोर्ट के, ये देके आएंगे रजत को समन। कितने दिन के अंदर अंदर मुझे कोर्ट फीस, प्रोसेस फी देनी है समन सर्व कराने के लिए? 7 दिन के अंदर, ठीक है। मैंने प्रोसेस फी में 7 दिन के अंदर अंदर पैसे दिए, इसको समन सर्व करा दिया। आज इसको समन सर्व हो गए, मिल गए सर्व समन, ठीक है। समन आज मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इसको मेरी प्लेंट का रिप्लाई करना है, और उसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। अभी स्टेजेस बनाऊंगी, अभी सुन लो, एक स्टोरी सी है बड़ी अच्छी सी, उसके बाद हम स्टेजेस बनाएंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। रिटन स्टेटमेंट इसने देनी है मुझे। अब रिटन स्टेटमेंट में ये पैरा टू पैरा सेम रिप्लाई करेगा जैसे मैंने लिखा है, उल्टा सीधा नहीं कर सकता कि जी पहले पैरा को इसने 10वां बना दिया मेरे वाले को और 10वें को पहला बना दिया। नो, ही हैज टू रिप्लाई सेम। लेकिन अगर इसको कोई प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेनी है, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन का मतलब दो ग्राउंड्स पे होती है सिर्फ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, या तो ज्यूरिसडिक्शन या बार्ड बाय लॉ। ये कहता है मैडम चंडीगढ़ कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती, या ये कहता है मैडम इन्होंने जानबूझ के झूठ लिखा है, ये सूट तो बार हो चुका था, लॉ से 3 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। अगर इसने 30 दिन में फाइल कर दी, 30 दिन में नहीं फाइल कर पाया तो 90 दिन एट द मैक्स मिल सकते हैं। 90 दिन मीन 60 दिन और, 30 + 60 बन के 90 दिन बनते, ठीक है। वो करेगा ये। अब कोर्ट पे इसने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले दी, कोर्ट के पास डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग शुरू होगी, जिसमें कोर्ट का सबसे पहला काम है ऑर्डर 10 में जाना सीपीसी के, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। अब तुम बने जज, अभी तक तो वकील थे, बन जो जज। जब जज बने तो एग्जामिनेशन तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होता है आजकल के टाइम पर, कोर्ट ओवरबर्डन है ये तो आप लोगों को पता है। अब आप कहोगे कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, इतने छोटे छोटे केस के लिए भी तुम आते हो सिविल सूट और खिंचता है एक एक दो दो साल का। आप कहोगे एडीआर कर लो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आउट ऑफ कोर्ट जाओ सेटलमेंट करो। मैं कह रही हूँ चलो जी देख लो मानता है, रजत कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा, कुछ कर लो आप। तो कोर्ट क्या करेगा, ठीक है भाई तू तो मानने का नहीं जिद्दी है अब तू, तो हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे इश्यूज, ठीक है। अगर नहीं हो पाया एडीआर, कोर्ट देखेगा, फिर कोर्ट इशू फ्रेम करेगा। इशू किस पे फ्रेम होते हैं, जो चीज उसने एडमिट कर ली उस पे, आंसर इज नो। जिस पे मैंने इसको एलेज किया, इसने उस पे डिनायल किया। एजर्शंस एंड डिनायल्स पे इशू बनते हैं हमेशा। जो चीज ऑलरेडी एडमिटेड है ऑपोजिट पार्टी से, उस पे कभी इशू नहीं बनता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एडमिटेड है। सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है जो चीज एडमिटेड है उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर इसने ये मान लिया कि मैम और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो चीज पे कोर्ट इशू फ्रेम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कहता है मैंने ब्रीच नहीं किया, कोर्ट उस पे इशू फ्रेम करेगा। मैं कह रही हूं रजत ने ब्रीच किया है, ये कह रहा है मैंने ब्रीच नहीं किया, एजर्शंस डिनायल्स, इस पे इशू फ्रेम होगा। कोर्ट ऑर्डर 14 के हिसाब से इशू फ्रेम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इशू फ्रेम करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, फ्रेम होगे इशू, अब तुम्हें डिसाइड करना। पहले प्लेंटिफ की विटनेसेस बुलाओगे, उसके लिए भी हमें समन्स देने पड़ते हैं बच्चे ऑर्डर 16 में। मैं फिर प्रोसेस फी दूंगी कि जी निशा और हीना मेरी विटनेसेस, इनको बुलाना है, कहाँ रहते हैं जी, कितनी दूर रहते हैं, समन्स दिलवाए मैंने इनको 7 दिन के अंदर अंदर, ये आएंगे मेरे केस को सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर इनका क्रॉस भी होगा, अभी तो इन चीफ हुआ ना इनका, मैंने बुलाया है। फिर इनके वकील साहब जो होंगे, इनके वकील साहब जो है करिश्मा है, वो बहुत टैलेंटेड वकील है, इसने जो है इनको क्रॉस एग्जामिन करना है। अब क्रॉस एग्जामिन करके इनसे पूछा जाएगा सच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नहीं हुआ था। क्यों करते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, सो दैट केस वीक पड़ सके किसी भी पार्टी का।
अगर ये विटनेसेस घबरा गए, बोल ही नहीं पाए कुछ, ऑटोमेटिकली केस मेरा वीक पड़ेगा क्योंकि ये एक क्रॉस में उलझ गए। वाइस वर्सा, जब ये विटनेसेस को बुलाएगा अपनी, मैं क्रॉस करूंगी, इसके विटनेसेस वीक पड़ गए तो इसका केस वीक पड़ गया। गेटिंग माई पॉइंट? ये एविडेंस की स्टेज है, मैंडेटरी स्टेज है। ये हमेशा जनरली प्रैक्टिकली जब आप जजेस बनोगे आप इसको इंग्लिश में कर सकते हो, अदरवाइज जिस लैंग्वेज में, जिस जगह का आप पेपर देते हो ना, आपका जो लोअर कोर्ट के लेवल का काम होता है वो उसी में होता है। हरियाणा का दोगे तो हिंदी का 50% हिंदी में रहता है, और पंजाब का दोगे तो पंजाबी में रहता है, ठीक है। लेकिन एविडेंस में डिस्क्रिशन रहती है आपकी, आप इंग्लिश में एविडेंस ले सकते हो, क्योंकि हिंदी और पंजाबी में एविडेंस को टाइप करवाना बिकम्स डिफिकल्ट, और वो साथ के साथ होता है। ये ध्यान रखना, जज अपने सामने बैठ के एविडेंस लेता है, सामने। अदरवाइज तुमने देखा अगर कभी कोर्ट की विजिट की हो कि एक वकील इधर कुछ बोल रहा है, एक इधर कुछ बोल रहा है, जज साहब इधर कोई टाइप करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, लेकिन एविडेंस हमेशा जज सामने देखेगा, तब जाके लेगा। क्लियर हुआ ये? अब हमारी एविडेंस की स्टेज आ गई, विच मीन्स ट्रायल शुरू हो चुका है हमारा। जज के सामने पहुंच गए ना हम, ट्रायल शुरू हो गया, एविडेंस खत्म हो गया हमारा, क्लोज हो गया। हमने ये विटनेसेस को, पीडब्ल्यूज को भी बुला लिया, डिफेंडेंट की विटनेसेस को भी बुला लिया। अब बचा सिर्फ वकील का काम, मतलब करिश्मा का काम, और एक नाम भूल गई मैं तेरा, सिमर, सिमर, सिमर मेरी वकील है, करिश्मा रजत की वकील है। अब इन दोनों का काम बचा, हमारे विटनेसेस सब चले गए, अब आप जज बन गए दोबारा से। अब क्या काम है? ये दोनों करेंगी आर्ग्यूमेंट्स कि जी हिना जो थी वो तो कमजोर पड़ गई थी, ये तो विटनेस बोल ही नहीं पाई, करिश्मा बोलेगी और जजमेंट देगी कि इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट वंस अ विटनेस इज अनेबल टू स्पीक इट देन शी बिकम्स अ वीक विटनेस एंड इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। ये आर्ग्यूमेंट्स करेंगे दोनों जने आपके सामने। आपको क्या देखना है एज अ जज कि भाई किसका केस एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। फिर आप कहोगे कि ऐसा करो जी, लीगल सबमिशंस आजकल जजेस मांगते हैं, ओवरबर्डन है, हम लोग खुद देते हैं एज एन एडवोकेट, लीगल सबमिशंस देते हैं। लीगल सबमिशन का मतलब कि जज भूल जाता है आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए थे, तो हम 1-to-1 कि PW1 के ये आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, इसमें ये चीज में हमने उसे फंसाया था, इस पे ये जजमेंट ये कहती है, लिख के इतना सा मतलब 10-15 पेज डिपेंडिंग अपॉन कितना जो भी केस है, हम वो लीगल सबमिशंस दे देंगे आप लोगों को। आपने डेट रिजर्व कर दी जजमेंट की कि जी ठीक है 10 दिन के बाद मैं जजमेंट सुनाऊंगी। 10 दिन के बाद आप उस ब्रीफ देखोगे, जजमेंट सुनाई मेरे फेवर में या इसके फेवर में आपने सुना दी। सुनाने के बाद अब डिक्री निकलवाऊंगी मैं, 15 दिन के अंदर अंदर जजमेंट के आने के बाद डिक्री निकलती है। डिक्री और जजमेंट में क्या फर्क होता है? जजमेंट डिटेल्ड एनालिसिस जो आपने किया सिंस द बिगिनिंग की केस इस दिन आया था, मैंने ये इशू फ्रेम किए थे, मैंने इन विटनेसेस को एग्जामिन किया था, ये कंटेंशन ऑफ द लॉयर, प्लेंटिफ लॉयर की थी, ये कंटेंशन डिफेंस के लॉयर की थी, उसके बाद सारी चीज चल चल के एंड में आप अपनी जजमेंट दोगे, ठीक है जी। और एवरी थिंग इज देयर इन द जजमेंट। डिग्री शीट एक सिंगल शीट पे होती है, जैसे ये शीट दिख रही है ना आपकी, इस शीट पे डिक्री शीट होती है। होता क्या, इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो पार्टीज दे सूट ये एंड रिलीफ ये, तो जो रिलीफ दी है कोर्ट ने वो डिक्री शीट में आती है, बस बाकी डिटेल्ड फॉर्म जजमेंट रहती है। समझ में आया सबको? अब जैसे ये डिक्री आ गई, अब क्या करेगा रजत के तो अगेंस्ट है मेरे फेवर में, मैं तो फटाफट से चाहूंगी एग्जीक्यूट हो जाए कि चलो जी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। ये क्या चाहेगा? अपील में। अब अपील में जाऊंगी मैं, एग्जीक्यूशन में जाऊंगी, वो कहते हैं अपील में जाने का ये मतलब नहीं है कि एग्जीक्यूशन स्टे हो जाएगी। जनरली एग्जीक्यूशन स्टे नहीं होती, लेकिन अगर ये अपीलेट कोर्ट को ग्राउंड दिखा दे कि जनाब ये दिक्कत है और मैं सच में वहां से नीचे वाले कोर्ट ने मैरिट्स पे डिसाइड नहीं किया है, आप स्टे लगवा दो, नहीं तो मुझे बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी, मुझे दोबारा से पैसे वापस निकलवाने मुश्किल हो जाएंगे। अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया अपीलेट कोर्ट को, ऊपर वाले कोर्ट को, तो वो स्टे लगाएगा, नहीं तो वो स्टे नहीं लगाएगा, ठीक है जी। अपील में चला गया, एग्जीक्यूशन में चला गया, या अगर अपील नहीं है किसी चीज की तो बच्चे वहां रिविजन लगती है। और अगर मैं अग्रीव्ड हूं या ये अग्रीव्ड है, अपील में भी नहीं जाना, रिविजन में भी नहीं जाना, तो सिर्फ सीपीसी में रिव्यू की भी ऑप्शन है। रिव्यू का मतलब सेम कोर्ट में दोबारा से अपने डिसीजन को रिव्यू करो, रिव्यू समझते हो, इसको तोड़ रही हूं मैं, रिव्यू करो, दोबारा से देखो, वो सेम कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है। समझ में आया सबको? अब स्टेजेस ड्रॉ करेंगे, अब देखना कि हमने सेम सेम वोट करी है कि नहीं करी। बोर तो नहीं हो रहे हो? नींद आ रही है पक्का? पीछे नाम अभिषेक, ऑनलाइन, हाँ इनके ऊपर हो सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली स्टेज, फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट।
ये बड़ी बनेगी तो आप पेज दूसरे तरीके से लीजिएगा अपना, दिस वे। फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट इज द फर्स्ट स्टेज, जिसमें हमें सेक्शन 26 पढ़ना है, ऑर्डर 4 पढ़ना है, ऑर्डर 6 एंड 7 पढ़ना है, एंड सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है। पेज चाहिए क्या? ड्रॉ करना है क्या? एक्स्ट्रा पेज दे दो भाई, किसी के पास है तो। शीट में से बच्चे डबल निकाल दो, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसमें से। अब आप हाफ ले लो, बस एक ही और कोई भी देना। हाँ बस बस, ज्यादा सबने कर दिया। इधर और चाहिएगा, एक दे दे बच्चे। निशा इधर दे दे, कोई नहीं हो गया। रजत है थे बस, शीट्स हैं, कर दिया उसने। रहने दे, शीट्स मत दे, वो कर दिया, वो ले लो अभी। किसी और को जिसके पास नहीं है पेन, पेन मैंने भी किसी का, रजत का लिया था ना। फाइलिंग ऑफ द प्लेंट के बाद आएंगी आपकी डेट ऑफ अपियरेंस, और कई बार बच्चे ऑफिस ऑब्जेक्शंस। ऑफिस ऑब्जेक्शंस को करेक्शन करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 7 डेज। ठीक है जी, DOA is date of appearance, ठीक है। क्या पर्पस था डेट ऑफ अपियरेंस का? नोटिस बोर्ड पे लगाना, केस नंबर भेजना, और किस जज के पास लगा है, बस इतना पर्पस है इसका। ऑफिस ऑब्जेक्शंस लग गई हैं, और 7 दिन के अंदर अंदर वो काम ठीक कराना है। जैसे ही वो काम ठीक हुआ, क्या होगा यहाँ पे? इश्यूएंस ऑफ समन्स। इश्यू ऑफ समन कराने के लिए कितने दिन के अंदर अंदर प्रोसेस फी देनी होती है? अगेन 7 डेज। एंड फिर यहां पे क्या होगा? सर्विस ऑफ समन्स। इसके लिए आप पढ़ोगे ऑर्डर 5, ऑर्डर 16, ऑर्डर 16A, सेक्शंस 27 टिल 31। समझ में आ रहा है? चलिए जी, अब इसके बाद कितने दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आनी चाहिए? अगर 30 में ना आ पाई तो प्लस 60, 90 डेज रिटर्न स्टेटमेंट। इसके लिए हम पढ़ेंगे ऑर्डर 8। बच्चे कोशिश करना ऑर्डर्स ऐसे लिखना, दूसरे तरीके से ऑर्डर्स मत लिखना। सीपीसी में, मेंस में नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। नेगेटिव इन द सेंस एग्जामिनर विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स। अगर आप नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में लिख रहे हो, रोमन्स में लिखो ऑर्डर्स, रूल्स आप न्यूमेरिकल्स में लिखो, ठीक है। ऑर्डर 8 के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी। रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद क्या होगा अब आगे? एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 10 सेक्शन 89 सीपीसी। क्या देखना है इसके अंदर? वेदर एडीआर इज फीजिबल और नॉट। एडीआर इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना कोर्ट की तरफ से, ठीक है। ये करेंगे हम। इसके बाद आ जाएगा आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जिसको हम कहते हैं डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग।
ये जो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग है ये इसके साथ भी ओवरलैप करती है, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन करते हैं हम, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14, फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज के लिए, ठीक है जी। इश्यूज वगैरह फ्रेम होंगे और उसके बाद हम लोग ट्रायल पे जाएंगे, इसी में हम ऑर्डर 15 भी लिख लेना, वो भी आ जाता है। देन ट्रायल, ट्रायल पे जब जाएंगे तो ऑर्डर 18 का, ट्रायल का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। ऑर्डर 18 जैसे ही ट्रायल शुरू होगा, अब यहां पे आएगी आपकी जजमेंट, ऑर्डर 20, इससे पहले 101, 102, ये सारे सेक्शंस एविडेंस के, प्लस आर्ग्यूमेंट्स, उससे पहले एविडेंस इन चीफ एंड क्रॉस, ये सारा काम ट्रायल स्टेज का है टिल द जजमेंट, ठीक है जी। जजमेंट के बाद दो चीज हो सकती है, एग्जीक्यूशन, अपील और रिवीजन और रिव्यू। एग्जीक्यूशन पे लिखो ऑर्डर 21, बना लो पहले फिर लिखवा देती हूँ। एग्जीक्यूशन पे लिखना बच्चे ऑर्डर 21, सेक्शंस हैं 36 से लेके 74 तक, सेक्शंस 36 से लेके 74 तक, ठीक है। जज अपील्स पे लिखो सेक्शंस 96 से 108 तक तो है ही है, सेक्शंस 96 से 108 तक, और ऑर्डर्स 41 से लेके 45 तक, वो लिखना कैसे, XL1, XL लिखते हो ना, XL1 से XL5 तक। रिवीजन 115 सेक्शन, रिव्यू 114 सेक्शन, और ऑर्डर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 47 लिख लेना, ठीक है जी। रिव्यू पे समझ में आए यहां तक, यही स्टेजेस डिस्कस किए अभी हमने, याद रहेंगी। इसी के अंदर ये क्या है, इसको ऊपर हेडिंग दे सकते हो ब्रॉड स्टेजेस ऑफ सीपीसी। ब्रॉड का मतलब इसी स्टेजेस में सारा सीपीसी खत्म होगा, जिसके अंदर इंटरमीडिएटरी स्टेजेस चलेंगी आपकी। दिस इज हाउ वी विल वर्क अपॉन, वी विल नेवर स्टार्ट विद सेक्शन 1, 2, 3, 4, क्योंकि वो बात की बात है, क्योंकि जब बच्चे जजमेंट पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेना इसी में साथ में डिक्री भी पढ़ेंगे, और डिक्री समझने के लिए हमें सेक्शन 2, 2 में जाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, एविडेंस इन चीफ क्रॉस, ये तो रहेगा आपका, ये एविडेंस का पार्ट भी आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। दिस इज देयर वेरी कॉमन फॉर बोथ द स्टेजेस इन सीआरपीसी एंड सीपीसी, क्योंकि 101, 102 इंडियन एविडेंस एक्ट सारी जगह पे लगता है। एविडेंस एक्ट को हम दोनों सीआरपीसी और सीपीसी पे लगाते हैं। क्या एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है? यस सुनो, कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं, आता है कि नहीं आता, प्रोसीजरल लॉ है? नो, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से नो, कह रहे कोई भी नहीं, सिर्फ सिमर ने बोला नो, सिमरन ने भी बोला नो, बाकी हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यूट्रल, जिन्हें पता नहीं है, रेज योर हैंड। हाँ देखो ध्रुव ने कितने अच्छे से किया, ओके। हाँ जी सर, प्रोसीजरल, व्हाई इट इज नोन एज एडजेक्टिव लॉ आल्सो, हाँ व्हाई इट इज नोन एज एडजेक्टिव। एविडेंस हो गया तेरा, अभी चल रहा है सर वाला, और जो मेरे वाला चल रहा था जो खत्म हो गया, वो तब कहाँ था तू? एविडेंस एक्ट इज
प्रोसीजरल एज वेल एज एडजेक्टिव इन नेचर, सब्सटेंटिव नहीं है वो. व्हाई इट इज एडजेक्टिव इन नेचर, इसका रीजन है एक, इज सब्सटेंटिव. वेरी गुड. हाँ जी बच्चे, एडजेक्टिव समझ तो इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब नाउन एडजेक्टिव, क्या होते हैं एडजेक्टिव्स दैट क्वालिफाइज योर नाउन, इज दिस एन एडजेक्टिव, है ना. नहीं भी समझ में आए तो बताना मुझे. मतलब नाउन क्या होता है, क्वालिटी बताता है, जिस क्वालिटी को एनहांस करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, है ना. सीआरपीसी सीपीसी क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, प्राइम ऑफिस है. क्यों प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल में आईपीसी में तुम कुछ क्राइम करके आओगे तो सीआरपीसी तुम्हें बताएगा कि कहाँ पे जाना है, सिविल में सूट डालोगे तो सीपीसी बताएगा कहाँ पे जाना है. लेकिन एविडेंस ये बता रहा है कि तुम्हें कौन से कोर्ट में जाना है, एविडेंस तो बेसिस बता रहा है कि एक्चुअली एविडेंस का बेसिक पर्पस क्या है. एंड दैट इज वाई जब वो एक क्वालिटी बताता है ना आपको इंडियन एविडेंस एक्ट कि जी ट्रायल के दौरान पे ये चीजें काम आएंगी, तब मैं एज एन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आऊंगा. That is why it is known as adjudicative law. क्योंकि अगर ये normal procedural law होता तो फिर तो ये CPC, CRPC की तरह आपका procedure laid down कर देता. ये procedure laid down नहीं कर रहा है, ये process बता रहा है that under CPC और CRPC how you will take these provisions as relevant provisions. And that is why Evidence Act is known as adjudicative law. समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया raise your hands. Technical concept है. आया सिमर समझ में? सिमरन इधर, अभिषेक आ गया? क्या समझ में आया बता. कैसे बच्चे, सिंपल सा लॉजिक है. देखो सीआरपीसी ये बता रहा ना कि इस कोर्ट में जाना है, ये कोर्ट ट्राई करेगा, इस जगह पे जाना है. सीपीसी भी सेम बता रहा है. एविडेंस ये बताता है, एविडेंस तो ये बताता है कि अगर मुझे ये कहना है कि आज मैं इस क्लास में इस टाइम पे थी तो उसके लिए मुझे रेलेवेंसी बतानी है. यही कहता है ना एविडेंस एक्ट. या ये बोलता है कि मेरा इन चीफ होगा, जैसे मैंने इनका चीफ कराया था फिर इनको क्रॉस करवाया था करिश्मा से. ये सब बता रहा ना कि एक कोर्ट में जब केस डल गया तो उसका प्रोसीजर क्या होगा फर्दर, वो एविडेंस एक्ट बताता है. इसीलिए एविडेंस एक्ट है प्रोसीजरल लॉ, लेकिन वो एक क्वालिटी डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली में सीआरपीसी और सीपीसी का ट्रायल शुरू कैसे होगा, मैं उसमें सेक्शन 5 से लेके 55 तक रेलेवेंसी लेके कैसे आऊंगी. दैट इज वाई उसको हम एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं. समझ में आया आप? थोड़ा थोड़ा ही. देखो ये चीज 6 महीने हो गए हमें खत्म करने में, अगेन 4-5 महीने हो गए हमें एविडेंस को खत्म करने में, आज खत्म हो रहा है वो. ठीक है, तो टाइम लगता है. आज के दिन में आपको नहीं समझ में आएगा. आज के दिन तो मुझे बताओ कि ये चीज सारी इन सीक्वेंस समझ में आई है कि नहीं आई. डिड यू लाइक द सेशन? अब ये इंटरैक्टिव सेशन करेंगे. अब हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, अब मैं आपसे ओपिनियन लूंगी चीजों के बारे में. समझ में आ रहा है? जो चीज अभी तक पढ़ी, कुछ कुछ दिमाग में बैठा, कुछ नई चीज थी अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू स्टडीड इन योर लॉ, कुछ नई चीज थी? समझ में आया? और नया क्या क्या सीखा, चलो ये बताओ कि आप जुडिशरी की तैयारी कैसे कर रही है. समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ना कैसे है इस सीक्वेंस में? जजमेंट्स पढ़ोगे? कोई जजमेंट्स पढ़ता है अभी कभी पहले? यू हैव टू. बाकी नहीं, कभी जजमेंट्स देखी है? देखी है बस. हेड नोट्स पता है क्या होते हैं उसके, जो बोल्ड लेटर्स में होते हैं, याद है? स्टार्टिंग में आते हैं हेड नोट्स, ब्लैक ब्लैक डार्क बोल्ड लेटर्स में, वो हेड नोट्स कहलाते हैं. उसके नीचे लिखा होता है पैराज हैं ये वाले, ये पैरा पढ़ो, ये पैरा पढ़ो. जजमेंट पूरी नहीं पढ़नी होती बच्चे, 50 पेज की जजमेंट पढ़ने का भी एक तरीका है. 100 पेज की जजमेंट में से भी सिर्फ 10 पेज ही निकलते हैं जो मेन पढ़ने वाले होते हैं. तुम लोग घबरा जाते हो कि मैम ने 50 पेज की 100 पेज की जजमेंट दे दी पढ़ने को, पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने उसमें से भी 5-10 पेज है, वो हम पैरा मार्क करा देते हैं. अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका होता है पहली 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं जिसमें फैक्ट्स ऑफ द केस क्लियर होंगे. उसके इमीडिएट 2-3 पैराग्राफ्स के बाद चौथे या 5-6 पैराग्राफ में इशू बना हुआ होगा, इशू पढ़ना है. उसके बाद एंड में कंक्लूजन आता है कि इस इशू पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, प्लस जो पुरानी जजमेंट साइट की गई है कि जी उस केस में ये हुआ था, इस केस में ये हुआ था, वो पुरानी जजमेंट भी समझ में आ जाएंगे. कई बार हम क्या करते हैं ना, पेपर राइटिंग के टाइम पे आप कहते हो कि मैम जजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है. आई एम सेइंग जजमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोलली जजमेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको लैंडमार्क नहीं पता तो देखो गलती है, लेकिन
अगर आप लेटेस्ट पढ़ के जा रहे हो उसमें लैंडमार्क कोटेड होंगी ही होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नया कुछ नहीं कर रहा है, उसी को रिटेरिएट ही कर रहा है, अपहेल्ड कर रहा है। तो अगर आप पुरानी नहीं पढ़ रहे हो ना, कम से कम नई जजमेंट पढ़ लो, उस नई जजमेंट में पुरानी है, और एक हैबिट बनाओ कि अपना एक रजिस्टर, हफ्ते में एक जजमेंट पढ़ लो चाहे, लेकिन एक जजमेंट रजिस्टर निकाल लो अपना 2023 की जजमेंट्स का, उसको बना के तैयार करके रखो कि जब भी नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल, बिकॉज यू पीपल ऑल आर एलिजिबल, और इस टाइम पे आप वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि विद इन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर के बाद आपके बैक टू बैक पेपर्स आ जाएंगे, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा, चांसेस थोड़े से फीबल हैं, बाकी सब पेपर आपके मान के चलना सितंबर के बाद नोटिफिकेशंस आउट हैं। तो आप खुद सोचो, आप थोड़े से तो लेट हो ज्वाइन करने में, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने हैं, अगर आपको एक बार एटलीस्ट अटेम्प्ट ही करके देखना, लेकिन जब भी अटेम्प्ट करो ना तो ये मत सोचो कि सीरियस नहीं देंगे। मैं ये कहती हूँ, अगर आपके चार सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हुए हैं ना, घूमने जाओ, बिल्कुल जाते हैं, बहुत लोग जा रहे होंगे अब शिमला के पेपर में घूमने के लिए, दैट्स फाइन, लेकिन जो सब्जेक्ट खत्म हो चुका है उस सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छे से जाओ, कि कम से कम मेरे इस सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, मैं 10 में से 10 ठीक करके आई हूँ या नॉट ठीक करके आई हूँ। अगर इतने ठीक हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ राइट ट्रैक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 10 में से 5 ठीक है ना पढ़ने के बाद और सब्जेक्ट खत्म करने के बाद, तो सोचो कि तुमने पढ़ाई कुछ नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम वो सही डायरेक्शन में अभी भी चल नहीं रहे हो। सो यहाँ पे जाके आपको फोकस करना है। बच्चे एमसीक्यूज हम लोग तो देंगे, बट आई वुड सजेस्ट पर्सनली आप बुक्स खरीदो अपनी, यूनिवर्सल की आती है, विनय कुमार गुप्ता की आती है, और बहुत सारी बुक है सिंगल पब्लिकेशन की, 10 ईयर आती है, 10 ईयर जरूर खरीद के रखो। जिस भी स्टेट में जाना उसके 10 साल आपके पेपर सॉल्व होने चाहिए ऑन टिप्स। सो विनय कुमार गुप्ता आपकी यूनिवर्सल पब्लिकेशंस है, और सिंघल पब्लिकेशन, सिंघाल जिसे कहते हैं, वो 10 ईयर खरीद के रखो ही रखो, मैंडेटरी है। अपने एमसीक्यूज अपने आप सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करोगे बात अलग है, यहाँ तो मिलेंगे, नहीं भी मिलते फॉर दैट मैटर, अगर ऐसा है तो डोंट डिपेंड, अपना सॉल्व करो, क्योंकि आपको खुद करना है जो करना है। बेयर एक्ट्स आपके पास पुराने हो कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं कि नया, क्योंकि मैं वो बेयर एक्ट्स बहुत गंदे कराऊंगी, मेरे को आदत है अंडरलाइन करवाने की, बताने की, बेयर एक्ट्स पढ़वाने की, और यही चीज है जो आपको लॉन्गर रन में बहुत काम आएगी, ठीक है। सो बेयर एक्ट्स के लिए पेंसिल्स रखनी है, पेन रखनी है, दैट इज योर चॉइस, वो आपने देखना। मैं अपने दिखाऊंगी ना जब पढ़ाऊंगी, तो देखना टीयर्ड ऑफ है मेरे, बट मेरे वही पुराने बेयर एक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने बेयर एक्ट्स के बिना समझ नहीं आता। तो आपको भी एक ही बार रखने हैं, और पीटी रजिस्टर अलग बना सकते हो, वो मैं आपको वे टू वे गाइडेंस देती रहती हूँ, मैंने पता है कैसे देनी है, मैं बताती भी हूँ कैसे बनाना है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे अभी फ्लो चार्ट बनाए ना, मेक इट अ हैबिट, ऑलमोस्ट इन एवरी पेपर यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। अभी जो बच्चों का पंजाब का रिसेंट एग्जाम हुआ है, फ्लो चार्ट ने ही उनको सेव किया है, जिनके फ्लो चार्ट हैं, जितने टॉपर्स रहे हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनको हमने बोला यही है कि अगर डायग्राम्स फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, ये नहीं कि सारी जगह ड्रॉइंग ही कराओ, इट्स जस्ट सिंपल इनग्रीडियंट्स दैट यू हैव टू राइट, बट डायग्रामेटिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट में, वो आपको मार्क्स ज्यादा दिलाएंगे, टाइम सेविंग भी होंगे, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। इस बार पंजाब का पेपर वो सो लेंदी कि बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ मेजॉरिटी का। आई हैव रिसीव्ड मेनी कॉल्स, किसी का 40 मार्क्स का छूटा है, किसी का 20 मार्क्स का छूटा है। आप ये सोचो, अगर 100 नंबर का या 200 नंबर का वो पेपर है, तो 40 गए, 160 में से नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलती जब आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो उसके बाद, वो आपकी गलती रहेगी फिर, वो ना तो आप पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हो ना हम लोगों को, ठीक है। तो अब आपने देखना है आपने कैसे करना है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन जब भी हम मिलेंगे कभी, वो आगे आपकी ओरिएंटेशंस कंटिन्यूटी में रहेंगी। अभी एक और है क्या कोई क्लास, ठीक है, तो आपकी ओरिएंटेशन रहेगी, मे बी वो जो है यही रहेगी, वो आप देख लेना, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द सेशन, एंड कोई डाउट्स हैं आपको तो वो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स। पीटी के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए रजिस्टर्स बनाएंगे बच्चे, अलग से रखेंगे, जैसे जजमेंट का रजिस्टर अलग बोला, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट का भी अलग से होगा। एनीथिंग एल्स? नो, ये लिमिटेशन प्रोवाइडेड है बच्चे, 12 से 30 साल, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं, ठीक है। आप लोग जो डेमो वाले हैं आप लोग जा सकते हैं, आप नीचे मैम से मिलिए बच्चे, बाकी ये लोग हैं ये बैठे हैं, आप लोग चलिए। ओके जी, हाँ जी, ऑनलाइन।
क्लियर? हाँ जी जी ओके, ध्यान से यहाँ। सर अब आएंगे सीपीसी में है? आज आईपीसी नहीं है बच्चे, आज एविडेंस की क्लास लूंगी मैं, पहले एविडेंस खत्म करा दूंगी आज मैं, आईपीसी कल से करेंगे, नहीं तो बहुत फिर 5:30 तक यहीं रहूंगी आज, नहीं तो रुक जाए 1 मिनट, एंड करने दे। हाँ जी ठीक है, एंडिंग द सेशन स्टूडेंट्स फॉर यू।